by Satyam Developers. Bhumi Petnekar endorses this exclusive project at the heart of Khargar that enhances the living experience of the discerning Khargarite. Truly next level. कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई क्रेडाई बीएनएम अपनी बहुप्रतीक्षित वार्षिक मेगा संपत्ति प्रदर्शनी के 22वें संस्करण के लिए तैयार है। पिछले दो दशकों से यह प्रमुख कार्यक्रम अनगिनत परिवारों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करते हुए डेवलपर और खरीदारों को जोड़ने का आधार बन गया है। शुक्रवार को 1 दिसंबर से सोमवार को 4 दिसंबर तक वाशी नवी मुंबई में सिडको प्रदर्शनी केंद्र में निर्धारित इस वर्ष की प्रदर्शनी नवी मुंबई के शीर्ष डेवलपर द्वारा नवीनतम और सबसे अधिक मांग वाली संपत्तियों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करने का वादा करती है। बीएनएम के माध्यम से तुर्भे में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। Our theme this year is we want to exploit unlimited potential of Navi Mumbai, and there is something for everybody. 25 lakh ka bhi ghar hai, 50 lakh ka bhi ghar hai, aur high end 10 to 12 crores, 15 crores ke apartments bhi hai. There are redevelopment projects which are some customers, if they are interested, we have it in a fully developed area of Vashi. We also have it at periphery. Agar koi sochta hai ki mujhe बाहर रहना है नवी मुंबई के पेरीफेरी पे, तो उनके लिए भी है। सो देर इज समथिंग फॉर एवरीबॉडी इन दिस एग्जीबिशन लाइक ऑलवेज। लेकिन इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो MTHL है और जो IT रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है MIDC में, उससे जो जॉब जनरेशन होगी, ये दोनों सबसे बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे न्यू बॉम्बे के लिए। एंड वी एंटिसिपेट दैट द रेट्स पर स्क्वायर फीट विल बी द बेस्ट सो फार इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर करते हो वेल एंड गुड, बट देन यू विल हैव टू बाय अ व्हाट वी से अ कॉस्टलियर हो, और एल्स यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद अ इन्फीरियर लोकेशन इन न्यू बॉम्बे। सो वो आपका कॉल है, बट हमारी तरफ से हम इतना ही बोलेंगे कि न्यू बॉम्बे के अंदर जो डिमांड है बहुत रोबस्ट है। पहले हमारे पास न्यू बॉम्बे की लोकल डिमांड होती थी 20-30%, एंड 70% यूज टू कम फ्रॉम ऑल ओवर बॉम्बे, पुणे एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया। Now it is almost 80% and above is demand coming from all over Bombay and entire country. And lot of people who जो luxury homes में Bombay में रह रहे हैं, mid Matunga हो, Sion हो, Central Bombay हो, suburbs हो, they are also coming here and shifting out of choice. पहले लोगों को New Bombay बोले तो attraction एक ही था कि यहाँ पे सस्ता घर मिलता है, but now people are paying for luxury homes. They are shifting here out of choice. And third thing is, यहाँ पर जो employment और entrepreneurial जो opportunities है, that is also getting a people. वो वहाँ पर 10 करोड़ का flat या 8 करोड़ का flat बेच के यहाँ पे एक घर भी बना रहे, entrepreneurial unit भी बना रहे और एक business में invest भी कर रहे। So I think all this thing put together is bringing a growth to New Bombay. चार दिनों का प्रॉपर्टी एक्सपो कब से शुरू हो रहा है, किस तरह से ज्यादा कस्टमर तक आप पहुंच सके, किस तरह की तैयारी आपकी है, क्या क्या इंतजाम वहां पर रहेंगे और कितने बिल्डर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कितनी सुकेस की जाएगा? दिसंबर 1-4 को ये एग्जीबिशन हो रहा है और उसमें 70 बिल्डर्स अभी तक हमारे पास में शोकेस हो गए हैं और एक बिल्डर के पास में मिनिमम 5-7 प्रोजेक्ट लेके उन लोग शोकेस कर रहे हैं। सर ये बताइए कि रेंज जो है प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आराम से, और जो अफोर्डेबल हाउस की तलाश कर रहे हैं क्या है, कहाँ से कितने अवेलेबल है? जैसा दीवान भाई ने बताया था कि एफोर्डेबल
अभी वासी प्रॉपर नवी मुंबई में थोड़ा कमती हो गया, बट अफोर्डेबल का ये क्या बोल सकते हैं, अफोर्डेबल के परिभाषा, अफोर्डेबल अगर आपको 20 से 25 या 30 लाख में जाना है तो नवी मुंबई की पेरीफेरी में जाना होगा, और उससे जैसे 50 से 60 लाख रुपए का घर लगेगा तो आपको ऐरोली से लेके वो एरिया से होके आपको जैसे आप वासी की ओर आते जाएंगे तो रेट बढ़ते जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, साल में इस बार दो बार हम लोगों ने एग्जीबिशन रखा है, डिमांड ज़्यादा है पब्लिक की, और किस तरह की पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है कौन से हाउस के लिए? यहाँ पे ये हमारे जितने भी बिल्डर फर्टिनिटी की डिमांड के साथ में ही हम लोगों ने ये एग्जीबिशन फ्रेम किया वापस। ये दिसंबर में हम लोग को और एक प्लेटफॉर्म चाहिए माल बेचने के लिए, बिकॉज पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग ने ये साल में सेकेंड एग्जीबिशन लेके आए। करोड़ों रुपए के जो हाउस आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्राइस है, जैसे आपने बोला 4 करोड़ है 12 करोड़ है, लोग ले रहे हैं, इसकी खासियत क्या है, मतलब किस तरह के हाउस आप बना रहे कि लोगों की इस तरह की डिमांड? पहली बार हम 3 BHK 4 BHK 6 BHK के अपार्टमेंट बना रहे हैं और उसकी साइज भी बड़ी है, तो वो एंगल से वो सेगमेंट जो है आज तक उसको लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, नाउ दे आर अवेलेबल इन अ बिग क्वान्टिटी, और लोकल जो डिमांड है, जो 2 BHK में रहते थे अपग्रेड हुए 3 में, 3 वाले अपग्रेड हो रहे टू 4 और 5, सो लोकल डिमांड बहुत रोबस्ट है, स्ट्रांग है, बट सिडको ने अभी बहुत सारे प्लॉट्स टेंडर किए हैं और उसकी वजह से हम वो कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको उनकी जो डिमांड है उसकी पूर्तता कर सकते हैं। एक तारीख को 11 बजे सिडको के MD साहब के हाथ से हमारा एग्जीबिशन का ओपनिंग हो जाएगा, और बाकी हमारे जितने भी VIPs और इनको हम लोग इनवाइट किया है वो पूरा 4 दिन के अंदर विजिट लेंगे। सर कहा जा रहा है कि जो स्मॉल टाइम बिल्डर्स है, जिनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स किसी भी मतलब महारेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसे जो बिल्डर्स हैं स्मॉल टाइम बिल्डर्स, वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करके होम बायर्स जो है उन लोगों को सोल्ड आउट कर रहे हैं अपनी यूनिट्स, इसका कहीं पर जेन्युइन बिल्डर्स है उससे कहीं भी असर नज़र आएगा आपको लगता है? देर आर ऑलवेज ब्लैक शिप्स इन एवरी इंडस्ट्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर प्रोफेशनल। जो कस्टमर है आज का कस्टमर इज क्वाइट एडुकेटेड, इज वाइडली नॉलेजेबल एंड एट द सेम टाइम उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सो कहाँ पर लेना नहीं लेना दैट इज़ द चॉइस ऑफ द कस्टमर एंड ही इज़ वेरी वेल अवेयर, फाइनली विल गो टू HDFC और ICICI और एक्सिस बैंक और IDFC, वहाँ पर अगर उसका प्रोजेक्ट लिस्टेड है तो दे आर द बेस्ट पीपल, दे विल ओनली सेंक्शन देयर लोन।